20 साल पहले किसने सोचा था कि इंडियन टीम में एक दिन खेलेंगे एमएस धोनी, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या। हम तो ग्राउंड पे खेलते थे सहवाग, सचिन और गांगुली बनके। ये देखो, एक बच्चे का मुझे डीएम आया, हाय विराट सर, मैं और मेरे फ्रेंड्स रोज क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हैं, कोशिश, पर कॉलोनी के अंकल आंटी हमें खेलने ही नहीं देते। अब एक सीनियर क्रिकेटर होके हेल्प करना तो बनता है ना। हाय, अरे यहाँ कोई करण सेठी को जानता है? विराट, क्या हुआ, आपने मुझे डीएम किया था? अरे वो अंकल आंटी है ना, गुस्सा करते हैं, बॉल भी वापस नहीं देते। अच्छा हाँ। चलो कोई नहीं, आज हम खेलते हैं। मैं बैटिंग करूँ क्या? सर अगर आप बैटिंग करोगे तो हमारी बैटिंग कैसे आएगी? अच्छा ठीक है, मैं बॉलिंग करता हूँ, आ जाओ फील्डर्स। सपने बड़े इनको लेके देखो ये चल पड़े, इन्हें रोको ना, इन्हें टोको ना, ये उड़ने को चले, उड़ने चले। अब आंटी नहीं देने वाली बॉल, मैं ट्राई करूं क्या? करिए, आ जाओ। इस बार बॉल नहीं मिलने वाली। मैम बॉल दे दो प्लीज। देखो अगर मैंने शॉट मारा होता तो आप बॉल दे देते ना। जब मैं बच्चा था अगर मुझे किसी ने रोक दिया होता तो शायद आज मैं टीम में नहीं होता। बच्चों को मत रोको प्लीज। नहीं मिली। इन्हें रोको, इन्हें रोको। बॉल मैं लाया हूं, अब मैं बैटिंग करूंगा। ओके चलो, थैंक यू। उड़ने चले, उड़ने चले। नहीं नहीं, मैं रेडी नहीं था। नहीं, बच्चों को खेलने दीजिए क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। अरे यार फिर से तुम लोग मुझे मरवाओगे आज।